भानु प्रताप से लगे कच्चे आरी डोंगरी माइंस मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के अड़ियल रवैये के चलते कच्चे ट्रक मालिकों ने चक्का जाम किया है। माइंस प्रबंधक का कहना है कि मजदूर 24 घंटे काम करें, जिसका विरोध माइंस के मजदूरों ने किया है। मजदूरों ने कहा है कि प्रबंधक का कहना है कि माइंस में 24 घंटे काम करें, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है। हमारा कहना यह है कि जिस तरह से पहले काम चलता था उसी तरह से अब भी चलना चाहिए। ये काम लगभग 18 जुलाई से बंद है। खदान ट्रक मालिक व खदान में काम करने वाले मजदूरों ने 25 जुलाई तक काम चालू करने का अल्टीमेट दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में 3 शिफ्ट पर काम चालू है, जिसके कारण मजदूर यूनियन एवं ट्रक मालिकों द्वारा मुख्य चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। मौके पर पहुंचकर ब्लॉक के अनुविभागीय अधिकारी SDOP अमलोक सिंह ढिल्लो और कई अधिकारी मौजूद रहे। जाम हटाने को लेकर SDM भानु प्रतापपुर और मजदूर से हो रही है चर्चा। SDM भानु प्रतापपुर, गोदावरी, माइस प्रबंधन और मजदूरों के बीच बैठक जारी है। मजदूरों की एक ही मांग है, हम नहीं करेंगे 24 घंटे कार्य। अगर गोदावरी माइंस का काम करना नहीं चाहती हैं तो बंद कर दे माइंस। अगर काम करवाना चाहती हैं तो पहले 8 घंटे करते थे, उसी तरह आज भी कार्य करेंगे। आपके गांव के ग्रामीणों को 450 लोगों को मुफ्त में मैं पैसा देता हूं, रोजी देता हूं, क्या यार सच सही है? नहीं, सही नहीं है, ये गलत है। लेबर लोग पहले गाड़ी भरते थे और कंपनी के द्वारा ही कहा गया कि आप लोग को बैठे बैठे मैं तनख्वाह दूंगा, क्योंकि उनको गाड़ी भरने से लेबरों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता, इसलिए उससे कंपनी द्वारा ही बिठाया गया। तो क्या आज यहाँ पे मशीनों के द्वारा कार्य हो रही है या मजदूरों के द्वारा कार्य? नहीं नहीं, मशीन के द्वारा ही हो रहा है। मशीनों के द्वारा कार्य हो रही है, जो गलत है। हमारे यहाँ कच्चे परिवहन संघ में इतना दयनीय स्थिति हो गया कि चक्का चलने में असमर्थ हो गया, क्योंकि कंपनी पूर्व में लालची दिया कि गाड़ी खरीदो करके और खरीदा के अभी भुकर रहा है और दादागिरी कर रहा है अपने कच्चे माइंस में। ऐसे लग रहा है कि अभी जो 18 तारीख से माइंस बंद हुआ है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग को प्रशासन शासन में अवगत करवाया था आवेदन, लेकिन आज तक कुछ सुनाई नहीं आया। ऐसा लग रहा कि प्रशासन भी कंपनी द्वारा मिले भगत है कि कंपनी बिना बताए बिना सूचना दिए काम बंद करे है, आवेदन दे रहे हैं 22 तारीख के पुलिस प्रशासन ला करीबन 4-5 जगह, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अवगत कराएगी कि भाई अगर हमारा शासन हमला को नहीं सुना थे तो हम चक्का जाम करबो। तो कल तक हम देखें, कल भी वह 12 बजे तक हमला कोई सूचना नहीं मिली, तो वे कदम उठाया पड़ी कि हम चक्का जाम करे बिना कोई हमारा सुनवाई नहीं करे। और जब देखो तब मैनेजर के खाली हुई चलते दादागिरी, मैं बंद कर दूंगा जब हुई तब खाली मैं बंद कर दूंगा। तो बंद करना है तो सदा के लिए बंद करना भाई, नहीं तो फिर चालू करना है तो ढंग से चालू कर, या बंद करना ढंग से बंद काम चल ही तभी चालू करूँगा, नहीं तो बंद करूँगा। पहले 24 घंटा यहाँ बैठे रहें पंचायत में, पंचायत भी रही से, गांव वाला सियार रही से, लेबर संघ रही से, ड्राइवर संघ रही से, परिवहन संघ, तेकर सामने भी बात चली से कि मैं 11:30 बजे रात तक चलूँ। अब ओकर कहना है कि वो मैं मोल नहीं पूरा चलेगा तो 24 घंटे चलेगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। हमने TV1 इंडिया न्यूज के लिए RL कुलदीप की रिपोर्ट, कांकेर, छत्तीसगढ़। क्षेत्र में रोजाना विद्युत कटौती से परेशान जनता के हितों में आज भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल का घेराव कर एक सप्ताह के अंदर विद्युत कटौती को सुधारने को कहा। अगर नहीं सुधार किया गया तो बड़े पैमाने में आंदोलन किया जाएगा। BJP कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए भूपेश सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए सड़क मार्ग से विद्युत विभाग पहुंचकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोज रोज के लाइट बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही सरकारी कामकाजों में भी परेशानी हो रही है, लोगों के ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहे हैं। ये किस विषय को लेकर दिया है? इन्होंने शहर में अघोषित विद्युत कटौती के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने उनको आश्वासन दिया कि हम एक हफ्ते के अंदर इस पर उचित कार्रवाई करके उपभोक्ता को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। इस समस्या का मूल कारण क्या है? लाइन बंद होना तो स्वाभाविक बात है, किसी भी कारण से बंद होगी, किंतु उचित कारण के बगैर बंद होती होगी उसको हम छानबीन करके वो हम लिमिट करेंगे। लगातार 6-8 महीने से बनी हुई उसको मैं दिखा रहा हूँ, अभी हम उसको पूरी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? श्री ललित राठौर।
समस्या विद्युत मंडल के द्वारा जो अघोषित कटौती यहाँ की जा रही है डूंगरगढ़ शहर के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज़्यादा बुरा हाल है। किसानों को आज पानी की जरूरत है, उनके पंप नहीं चल पा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी फसल मर रही है। दूसरी बात, शहर के अंदर में दिन में 8 से 10 बार अघोषित कटौती होती है। क्या सर छत्तीसगढ़ सरकार के पास बिजली नहीं है? 15 साल की सरप्लस बिजली कहाँ चली गई? मैं छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया से पूछना चाहता हूँ। और विद्युत मंडल के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे हैं जो लापरवाही पूर्वक जवाब देते हैं, उसके संबंध में एक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा गया है। और डी साहब ने बोला है कि एक हफ्ते के अंदर हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से सही कर लेंगे। वो मुझे उम्मीद है कि वो कर पाएँ तो अच्छी बात है, डोंगरगढ़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा। नहीं तो इसके बाद में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता डोंगरगढ़ शहर। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल के साथ जयदीप सिन्हा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। रायपुर राज्य महिला आयोग व छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को आजाद चौक CSP नगर CSP नसर सिद्दीकी व प्रशिक्षु DSP कल्पना वर्मा व सविता ठाकुर को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। टीम ने कभी नगर में देह व्यापार के दलदल में फंसे बच्चियों को बाहर निकालकर पुनर्वास कराया था। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रभा दुबे ने प्रशस्त पत्र देकर समाज हित में किए कार्य की प्रशंसा की। CSP सिद्दीकी ने बताया कि कभी नगर से सूचना मिली कि किसी घर में देह व्यापार चल रहा है, उस जगह पर तत्काल दबिश दी गई। वहां पर कुछ बच्चियों से देह व्यापार चलाया जा रहा था। पूछताछ करने पर बताया कि महिला का जो लड़का था वह प्रेम जाल में पहले लड़की को फंसाता था, फिर उसे देह व्यापार में धकेलता था। पुलिस ने जब बच्चियों से बात करने पर पता चला कि आरोपी का कई शहरों में रैकेट चलता है, बताया कि राजनंदा गाँव, चरोदा व दुर्ग में रैकेट चल रहा है। इन जगहों पर दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और वहां से बच्चियों को छुड़ाया गया। सभी बच्चियों का पुनर्वास कराया गया था। इस बेहतरीन काम के लिए CSP नसर सिद्दीकी और प्रशिक्षु DSP कल्पना वर्मा व सविता ठाकुर को राज्य महिला आयोग व छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में पहली प्राथमिकता गांव गरीब किसानों की तरक्की और कृषि आधारित उद्योग लगाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त आयोग से चर्चा में इस बात पर पूरा जोर दिया है कि यह प्रदेश पूरी तरह से कृषि प्रधान है। प्रकृति ने इस प्रदेश को प्राकृतिक संसाधन के तौर पर सब कुछ दिया है, लेकिन इस प्रदेश के लोग अपने वाजिब अधिकारों से वंचित ही रहे हैं। यहां अनेक तरह के उद्योग हैं, बड़े बिजली कारखाने, लोहा, कोयला खदान, स्टील प्लांट और भी कई उद्योग हैं, लेकिन खेती किसानी वाले इस गढ़ में कृषि आधारित उद्योग की कमी है। छत्तीसगढ़ में धान के साथ साथ अब अन्य फसलों की खेती भी खूब हो रही है। यह प्रदेश सब्जी उत्पादक प्रदेश भी है। ऐसे में हमारी पहली प्राथमिकता है कि छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग यहां पर लगे, किसानों की तरक्की हो, गांव के युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों के साथ चर्चा में अपने कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस प्रदेश को नए छत्तीसगढ़ के रूप में गढ़ना चाहते हैं। इस प्रदेश को प्रदूषण मुक्त, कारखानों के धुएं से मुक्त बनाना है। यहाँ बहुत से औद्योगिक कारखाने चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में कोरबा जैसा औद्योगिक विकास वाला जिला भी आज पिछड़ी जिले के रूप में केंद्र सरकार के आकांक्षी जिले में शामिल है। मतलब छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसानों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए हमने केंद्रीय वित्त आयोग के सामने छत्तीसगढ़ के पक्ष को मजबूती के साथ रखते हुए कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की तरक्की, युवाओं का रोजगार और गांव में कार्य की उपलब्धता कराने में हमारी मदद करे। उम्मीद है केंद्र से हमें मन मुताबिक मदद मिलेगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवेश मरोड़िया की रिपोर्ट, रायपुर। साझा ब्लॉक में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति बीते कई सालों से नहीं हुई है। व्यवस्था के तहत कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिससे पढ़ाई होती दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे, नए शिक्षकों की नियुक्ति कर जायज मांगों को पूरा करने की जरूरत। साझा ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम मोह गाँव के एग्रीकल्चर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मुख्य रूप से एग्रीकल्चर संचाय के विद्यार्थी अपने अध्यापन कार्य में बाधा महसूस करते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को ठप बताते हुए रैली शक्ल में विरोध दर्ज कराया है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उग्र प्रदर्शन किया, पश्चात मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, बेमित्रा।
पास दोपहर 2 से 3 बजे करीब डबरा छपोरा मार्ग पर कैब वाहन के चपेट में आने से नवापारा निवासी बाबूलाल खूटे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैप्सूल वाहन रायपुर के CCR कंपनी की है तथा इस वाहन चालक का नाम अनिरुद्ध मिश्रा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का रहने वाला है। आज छपोरा डबरा मार्ग को मौत का रास्ता कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों इस मार्ग पर अनियंत्रित भारी भीमकाय वाहनों का आवाजाही बहुत होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। डबरा से छपोरा की ओर जा रहे बाइक सवार दो व्यक्तियों का सूखापाली बस स्टैंड के पास छपोरा तरफ से डबरा की ओर आ रहे कैप्सूल वाहन क्रमांक CG10R1529 की चपेट में आ गए। मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति सवार थे, जिसमें से मोटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई तथा साथ में बैठे व्यक्ति को सामान्य चोटें आई, जिसे डबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति का नाम बाबूलाल खूटे है, जो मालखरोदा ब्लॉक के नवापारक का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने कैप्सूल वाहन व चालक को गिरफ्तार कर लिया है तथा सब का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डबरा छपोरा मार्ग जिला राजमार्ग है, जिसमें क्षमता से कहीं अधिक भीमकाय वाहन तेज गति से रात दिन दौड़ रहे हैं व आए दिन ग्रामीण इनकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। बाबूलाल खूटे निवासी नवापारा अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल से डबरा की ओर से अपने गाँव वापस जा रहा था। चंद्रहासिनी मंदिर के पास ग्राम सुखापाली में भोगरी की ओर से कैप्सूल ट्रक क्रमांक CG10R1529 का ड्राइवर आ रहा था। गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हुए उपेक्षापूर्ण ढंग से और उसके द्वारा ठोकर मारने से चालक और चालक के पीछे बैठे हुए उसका चाचा दोनों गिर गए। चालक की मौके पर ही मौत हो गई और चाचा घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ठाकुर प्रसाद की रिपोर्ट, जांजगीर। बतौली प्री व पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में गैस सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। घटना आज सुबह 7 बजे की है। छात्राओं के लिए खाना बनाते समय एक चूल्हे का उपयोग किया जा रहा था, तभी दूसरे गैस सिलेंडर में पाइप लगाने के लिए रसोईया करुणा गुप्ता ने जैसे ही गैस सिलेंडर का ढक्कन खोलने की कोशिश की, अचानक से ढक्कन दूर जा गिरा और तेजी से गैस निकलना शुरू हो गई। बगल में जल रहे चूल्हे में गैस पहुंचते ही गैस सिलेंडर में आग लग गई। तभी छात्रावास अधीक्षक सत्यानंद किशोरी ने सभी छात्राओं को हॉस्टल प्रांगण से बाहर जाने को कहा, जिससे बड़ी दुर्घटना से बचा जा सका। इस कन्या छात्रावास में छात्राओं की दर संख्या 130 है। मंडल संयोजक सतीश गुप्ता व बतौली पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर तत्काल गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाया गया। अगर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो बड़ी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आग बुझाने वाला यंत्र भी छात्रावास में उपलब्ध नहीं है। मैडम जी, करुणा गुप्ता। ये कौन सा आश्रम छात्रावास है? प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। ये क्या घटना हुआ, सुबह कितने बजे घटना है? ये सुबह 7:30 बजे घटना हुआ। क्या हुआ था? गैस टंकी में अचानक आग लग गया। तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? हम लोग उस समय टंकी का ढक्कन खोल रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे टंकी को। एक्सचेंज कर रहे थे, उसके बाद अचानक एक चूल्हा का दूसरे टंकी में आ गया। फिर क्या किया आप लोग? फिर हम लोग उसके बाद बुलाए छात्रावास में, प्री पोस्ट आदिवासी कन्या छात्रावास। ये आज सुनने में आ रहा है सुबह सुबह गैस सिलेंडर में आग लग गया, कितने बजे घटना है? हाँ, 7:30 बजे लगभग हम खाना बना रहे थे तो पहला टंकी ख़त्म हो गया था, तो दूसरा जोड़ने वाले थे, तो जैसे ही हम लोग जोड़ने के लिए प्लास्टिक खोले सिलेंडर का, वैसे ही ढक्कन ऊपर फेंका गया और फिर आग पकड़ गया। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अफरा तफरी का माहौल रहा सर आपका? मैं सतीश कुमार गुप्ता, मंडल संयोजक विकासखंड बतौली। ये सर आपको सूचना कब मिली है? लगभग 8 बजे मुझे सूचना मिली कि छात्रावास में गैस टंकी में आग लग गया है। जैसे ही मुझे सूचना मिला, मैं तत्काल हॉस्टल में आया और इसके बाद में आग पर नियंत्रण पाया गया। पुलिस विभाग को सूचना दिया गया था, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दिया गया था। कोई घटना अथात की कोई घटना तो नहीं? नहीं, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अफरा तफरी का माहौल रहा। हाँ, अफरा तफरी का माहौल रहा जी। चलिए ठीक सर जी। सर आज जो है कन्या हाई स्कूल में जो है अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से आपको सूचना कितने बजे मिली थी? आज सूचना मिली थी फ़ोन के जरिए, तो थाने से तत्काल पुलिस स्टाफ को भेजा गया था, मैं स्वयं भी वहाँ गया था। तो मौके में जाने पर पता चला कि वहाँ छात्रावास में खाना बन रहा था, तो उसी समय एक सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से
आग लग गई थी, उसे तत्काल बुझाकर नियंत्रण में किया गया। लेकिन उस समय जिस समय आप लोग पहुँचे उस समय आफा तफरी का माहौल था घर में? उस समय लोग डरे हुए थे कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट, पतौली। ब्लॉक कोयलीबाड़ा से 10 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित ग्राम केसोकोड़ी बड़पारा में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है पोषण आहार। आंगनबाड़ी नहीं होने से बच्चों की शिक्षा में प्रभाव पड़ रहा है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ नींव होता है। केसोकोड़ी बड़पारा के बच्चे आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी की समस्या बरसों पुरानी है। शासन प्रशासन से भी कई बार मांग की गई है व आवेदन भी किए गए हैं, पर फिर भी अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, केवल आश्वासन ही देते आए हैं। सरकार के लाखों प्रयास के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशील एरिया जैसे गांव में योजनाएं आते आते अपना दम तोड़ देती हैं। बड़पारा में रहता हूं। अच्छा, यहां आंगनबाड़ी है कि नहीं है? ये कैसे कोड़ी बड़पारा में ना 15-20 साल हो गया है आंगनबाड़ी नहीं है। यहाँ के बच्चे कम से कम 40-50 बच्चे हैं जिसको आंगनबाड़ी करते। हम कई बार आवेदन मांग किए हैं लेकिन आज दिन तक अभी तक नहीं बना है। बनाए नहीं है आंगनबाड़ी। बच्चे क्या करते हैं फिर? बच्चे बस ऐसे घूमते हैं, दिन भर खेलते हैं, उसके बाद ऐसे सो जाते हैं घर में। वो कुछ नहीं मिलता है, इसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बस ये लोग घूमते फिरते रहते हैं। उसके बाद स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में सर लोग भी अच्छा ढंग से पढ़ाते नहीं है। क्या है, छोटे बच्चे शुरू से पढ़ते ना तो कुछ परिवर्तन होता सर, अभी तक उनका परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। आगे मिडिल स्कूल भी है, वहाँ भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि नींव उनका अच्छा नहीं है। तो आंगनबाड़ी अति ज़रूरत है यहाँ पे, तो आंगनबाड़ी जल्दी होता तो बच्चे कुछ सुधर जाते। ये हमारी टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।